नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। नए भारत के निर्माण और विकास यात्रा में भागीदार बने युवा प्रवासी भारतीय। वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन पर बोली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का पहला दिन युवाओं को रहा समर्पित। प्रधानमंत्री सम्मेलन को कल करेंगे संबोधित। ग्रामीण भारत के विकास के बिना देश के विकास की परिकल्पना अधूरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह में संबोधन। पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर दिया जोर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोलकाता में शनिवार को हुई विपक्षी दलों की रैली पर साधा निशाना। फेसबुक पर लिखे अपने ब्लॉग में विपक्षी दलों की रैली को बताया नकारात्मक की राजनीति। कहा मोदी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नागेश्वर राव की नियुक्ति मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खुद को किया अलग। सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली समिति हिस्सा होने को बताया वजह। याचिका पर 24 जनवरी को नई बेंच करेगी सुनवाई। लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े मठ सिद्धगंगा के प्रमुख शिव कुमार स्वामी का निधन। 111 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने जताया शोक। कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोलकाता में शनिवार को हुई विपक्षी दलों की रैली को नकारात्मक की राजनीति करार दिया है। उन्होंने आज लिखे ब्लॉग में कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर ठोस भरोसा करती है और यही वजह है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ आने की कोशिश न सिर्फ अवसरवादी है बल्कि एकजुटता भी नहीं दिखा पाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के मंच पर ना तो मायावती थी और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे। साथ ही इसमें गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन की पैरवी करने वाले KCR रहे। अरुण जेटली ने कहा कि विपक्षी दलों के इस गठजोड़ की कोशिश सिर्फ चुनावी गणित को अपने पक्ष में करने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से दावेदारी के खिलाफ विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी विपक्ष के इसी एजेंडे का स्वागत कर रहा है। और इस पर और चर्चा के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल दहिया का, जो कि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। विशाल, अरुण जेटली ने जो आज ब्लॉग लिखा है, 2019 में मोदी और अराजकता की लड़ाई है, उन्होंने ये ब्लॉग लिखा है, इसको आप मौजूदा राजनीतिक हालात जो हैं इसको उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? देखिए स्मृति, जो वित्त मंत्री का ब्लॉग है आज का और जो फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, उसमें सीधे तौर पर वित्त मंत्री ने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर दो तरफा निशाना साधा है। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है और उस सियासी समर के लिए दोनों तरफ से, यानी कि जो सरकार में है पार्टी बीजेपी और गठबंधन NDA, उसकी तरफ से अपनी तैयारियाँ चल रही हैं और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनकी अपनी तैयारियाँ चल रही हैं। तो इस
सब के दौरान ये जो ब्लॉग आया है उसमें सीधे तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो तरफा हमला विपक्ष पे जो किया है, पहला उनका कहना है कि विपक्ष का जो रवैया है प्रधानमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ वो नकारात्मक रवैया है, और जब कोई भी चुनाव होता है तो उसकी पटकथा लिखी जाती है और वो पटकथा उस सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहता है उस कार्यकाल के चलते लिखी जाती है कि क्या सरकार ने जो काम किए वो लोगों को अच्छे लगे, क्या सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे अपने पूरे किए। और वित्त मंत्री ने दावा किया है कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का वो बहुत अच्छा रहा है, जनता उससे खुश है, उन जो काम इस 5 साल के दौरान किए गए हैं उनसे खुश है। तो सीधे तौर पर ये जो नकारात्मक रवैया है विपक्षी पार्टियों का वो जनता को पसंद नहीं आएगा। दूसरी बात जो वित्त मंत्री ने कही है अपने ब्लॉग में, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अब एक महागठबंधन की बात हो रही है, यानी कि सभी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो वो जो एकजुटता है वो एकजुटता एक जिसे कहा जाए एक मोमेंटम नहीं है, उसमें एक ओकेजनल सिनेरियो जिसे कहा जा सकता है, यानी कि जो राजनीतिक लाभ है इस समय सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, वो फायदा उठाने के लिए ये सभी दल एक साथ आना चाहते हैं। और वो वित्त मंत्री के अनुसार सीधे तौर पर साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने कलकत्ता में जो रैली हुई ममता बनर्जी की अध्यक्षता में, जो विपक्षी पार्टियों के लगभग एक दर्जन से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता वहाँ मौजूद थे, उसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर ये मोदी के खिलाफ यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या फिर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ रैली थी तो इसमें ये देखना बड़ा लाजमी है कि इसमें 3 बड़े ऐसे नेता मौजूद नहीं थे जिन्होंने कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिए और सीधे तौर पर राजनीतिक विचारधारा के लिहाज से भी बिल्कुल अलग हैं। एक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, दूसरी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती और जो केसीआर हैं टीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो तीनों वहां मौजूद नहीं थे उस सभा में। तो एक तरह से इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, वो इशारा कर रहे हैं कि ये जो विपक्षी गठजोड़ है उसमें कोई तालमेल नहीं है, सभी दल सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक साथ आना चाहते हैं और कोई एक कॉमन एजेंडा उनके पास नहीं है सिवाय इसके कि सरकार के खिलाफ जो मौजूदा सरकार है वो और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो, उनके खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जाए। विशाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व से डर गई है, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली और हेलीकॉप्टर को उतरने से रोका गया। वो डर गई हैं, ममता दीदी आज डर गई हैं, उनको साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच लगाव, लोकप्रियता, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के लगभग हर कार्यक्रम में रोड़े अटकाने की, तकलीफें डालने की, अड़चने डालने की पूरी प्रयत्न में पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर, देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आज प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ किया। इस साल प्रवासी भारतीय कुंभ और गणतंत्र दिवस समारोह का भी हिस्सा बनेंगे। काशी में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया के 75 देशों के हजारों प्रवासी मेहमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में पहुँच रहे हैं। वाराणसी में सोमवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 15वें युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो गया। यह आयोजन युवा प्रवासी भारतीयों को नए भारत के साथ जुड़ने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों, विशेष रूप से दुनिया के विभिन्न भागों से आए युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है। दिस यूथ प्रवासी भारतीय दिवस इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कवरिंग योर रूट्स एंड अप्रिशिएटिंग योर हेरिटेज, बट इट इज आल्सो अबाउट लर्निंग हाउ यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी टुवर्ड्स अ न्यू इंडिया। We would like to create an environment in India that will enable you to have the conviction that you and your children can excel in this country as much as you could anywhere else in the world. Whether you are looking for affordable quality education or tech startups, India offers limitless opportunities. Earlier, some of you and your forefathers left India in search of better opportunities for higher education. Today, the education sector in India has become very lucrative for your children to pursue higher education in India. India today is home to some of the best world-class university infrastructures and R&D capacities such as IITs and IIMs. Along with high-quality education, we want India to be a hub for high-end research and development capacities. We have started various programs such as Vajra, Gyan, and Mission Shodh Ganga to enable overseas scientific community to conduct high-end research and development in India. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत में एक भाव है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आए युवा प्रवासी भारतीय काशी की धरती पर बदलती काशी की तस्वीर को देखेंगे। पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत के अंदर एक भाव है, एक भंगिमाएं हैं। पूरे भारत को जिस रूप में हम लोगों ने देखा है और जो हमारे वेदों का उद्घोष रहा है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हम सबको एक बार पुनः अपनी जड़ों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त प्रदान करता है। सचमुच हम सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कि पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और मुझे लगता है कि जननी और जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह भाव हम सबको प्रस्तुत करना ही होगा। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासियों का समर्थन चाहता है। आज इंडिया अपनी पहचान विश्व में बना रहा है अपने काम से। पिछले चार साल, साढ़े चार साल भारत वही है, भारत में रहने वाले वही हैं, भाषा वही है, लेकिन उसके बाद भी पूरे विश्व के अंदर पिछले साढ़े चार साल के अंदर हमारा एक हमारी जो पहचान है उसने एक अलग छलांग लगाई है। और वो छलांग लगाने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के जो हर एक मतदाता है, उन्होंने एक सरकार जो चुनी है, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज वो एक मजबूत प्रतिनिधित्व हो रहा है। उस कारण से आज भारत की पहचान पूरे विश्व में बन रही है। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह, नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी और न्यूजीलैंड के सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का मंगलवार को औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, आज वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पहला दिन था, पूरे दिन का क्या जायजा रहा आप हमें बताइए, और कल प्रोग्राम के एजेंडे में क्या है आप हमें ये भी बताइए। देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ये था कि जो पूरे दुनिया में जो हमारे प्रवासी यंग भारतीय हैं, उन प्रवासी यंग भारतीयों के अंदर उत्साह पैदा करने के लिए आज पहला सत्र आयोजित था। दोपहर के पहले का सत्र उसी को समर्पित था। पहले तो सुषमा स्वराज, वीके सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने संबोधन किया, लेकिन उसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ और उस इंटरैक्टिव सेशन के दौरान बहुत ही रोचक चर्चाएँ हुई और लोगों ने सवाल किए। जो युवा हैं जो पूरी दुनिया के जो आए हैं प्रतिनिधि बन के, उन्होंने काफ़ी रोचक सवाल किए। उन्होंने यह पूछा कि जो कैरियर मैं वहाँ अपना रहा हूँ, जो पढ़ाई मैं वहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं भारत आऊँगा तो क्या मुझे वही अवसर मिलेगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही मौजूद सवाल है कि जिस तरीके से भारत को हम शोकेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वैसे में जो भारतीय हैं, जो यंग भारतीय खास तौर पे हैं, जिन्होंने अपने हुनर से वहाँ के लोगों को प्रभावित किया है, उन लोगों के अंदर ये बात है कि हम भारत तो जाएं, लेकिन भारत में क्या हमें वह अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यही प्रवासी भारतीय दिवस की के एजेंडे में भी शामिल है कि उन लोगों को आकर्षित करना। तो मंत्रियों की तरफ से यह जवाब दिया गया कि भारत आपके लिए तैयार है, आपके स्वागत के लिए। उसके बाद एक दूसरा सत्र चला उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से तकरीबन 30% जो हमारे माइग्रेंट्स जाते हैं पूरी दुनिया में, उसमें 30% उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो उन लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करने के लिए, और वो लोग अपनी विशेषज्ञता से उत्तर प्रदेश को में इन्वेस्टमेंट लाने में और उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण देने में, अपने हुनर से उत्तर प्रदेश के लोगों को सहायता देने में मदद करें, इस पर पूरा आयोजन केंद्रित था। और योगी आदित्यनाथ ने उसमें भी शिरकत किया और उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है और जो भी यहाँ निवेश करना चाहता है वह कर सकता है, या जो कोई अपने हुनर से प्रशिक्षित करना चाहता है वो प्रशिक्षित कर सकता है। तो इसमें वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, यहाँ के NRI मंत्रालय बनाया है उत्तर प्रदेश में, वो भी शामिल थी। और इसके अलावा राज्यपाल आए, राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें से 8 प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित किया। तो यह उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी एक रोचक समय था, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसका आयोजन कर रहा है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। उनके लोगों के अंदर भी यह जिज्ञासा है और एक सपना है कि उत्तर प्रदेश भारत के अन्य जो विकसित प्रदेश है उनके समानांतर आए और उसमें प्रवासी भारतीयों की जो भी भूमिका हो सकती है वो भूमिका निभाएं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय सम्मेलन ने भी आज एक सफलता हासिल की, और जो लोग उत्तर प्रदेश के जो लोग प्रवासी हैं वहाँ लौट के जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनका प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों को कौशल और हुनर में प्रशिक्षित करने में उनका जो योगदान हो सकता है वह योगदान करेंगे। अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारियां वाराणसी से हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन आज AICTE दिल्ली में किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ग्रामीण विकास हमारे देश के विकास के लिए एक ज़रूरी शर्त है। उन्होंने कहा, कृषि अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसके लिए हमें अपनी कृषि पद्धतियों में लगातार सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि खेती को और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण विकास के लिए तकनीक विकसित करने वाले युवा विद्यार्थियों को छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार दिए। AICTE द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान समझें कि भारत का विकास ग्रामीण विकास में निहित है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे विकास की दृष्टि अभी भी शहर केंद्रित है। If you make village life comfortable, if you provide them with connectivity, road, transport, drinking water, irrigation facilities, crop insurance, and if you make agriculture more viable, you have to come with new innovations. We have to constantly innovate and reinvent our agriculture practices in tune with the realities of diminishing natural resources and changing weather and rainfall patterns. Students of agriculture, engineering and allied sciences must spend more time in agriculture fields to devise solutions to improve productivity and sustainability of our agriculture.
इस साल AICTE को कई संस्थानों के अलग अलग श्रेणियों में कुल 167 आवेदन मिले। छटाई के बाद 310 छात्रों के साथ 118 टीमें चुनी गईं। इनमें 191 पुरुष और 119 महिला छात्र शामिल हैं। पुरस्कार देते समय उपराष्ट्रपति ने सभी छात्रों को बधाई दी। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने विकास प्रक्रिया में स्वच्छ ऊर्जा को स्थान देने का आग्रह किया। The Prime Minister is talking of new India, where there is no hunger, where there is no exploitation, where there is no discrimination, where there is no divide. So that is possible only with the help of the younger minds. Excellence should be our goal, our mantra. We owe it to the billion dreams that propel our country forward to be a global leader in all respect. Mujhe ummid hai ki aap seekhna, nava pravartan karna aur prerit karna jari rakhenge. मुझे आपकी दृष्टि और आपकी क्षमताओं पर बहुत विश्वास है। छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार इंजीनियरिंग और सृजन की भावना से प्रेरित हैं। इन पुरस्कारों का मकसद युवाओं के नवविचारों को पहचानना और उन्हें उत्साहित करना है। इस साल पुरस्कार का विषय तकनीक द्वारा ग्रामीण विकास रखा गया था। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने के बाद अपने फेसबुक पेज पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे के अनुभवों को साझा किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद उनके छात्र जीवन से ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने लिखा कि केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और उनके घर का दौरा करने के बाद उनके अंदर जीवन भर देश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा मिली है। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में अपनी कुछ महत्वपूर्ण यादों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने नेल्लूर में अपने रिहायशी इलाके का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर के नाम पर किया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने बताया कि उनके बेटी के अक्षरा स्कूल में सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना की गई और इसका उद्घाटन आडवाणी जी ने किया। उपराष्ट्रपति ने पोस्ट के जरिए आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को भी याद किया। और कर्नाटक के सिद्ध गंगा मठ के प्रमुख शिव कुमार स्वामी का आज सुबह निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। मंगलवार शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। 111 साल के स्वामी जी पिछले 15 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन के चलते कर्नाटक सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। शिव कुमार स्वामी के अंतिम दर्शन करने के लिए मठ में लोगों की भीड़ लगी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत कई वरिष्ठ नेता शिव कुमार स्वामी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताते हुए शिव कुमार स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पौष पूर्णिमा के मौके पर कुंभ मेले के आज दूसरे प्रमुख स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। भक्तों की भारी तादाद के मद्देनजर प्रशासन ने संगम नगरी में विशेष इंतजाम किए थे। प्रयागराज में कुंभ के दौरान स्नान का अपना ही महत्व है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इनमें पौष पूर्णिमा पर्व पर स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इसे पर्व स्नान के रूप में जाना जाता है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन जप और दान का भी खास महत्व है, जिसके बाद से माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। आज पौष पूर्णिमा है, आज से कल्पवास प्रारंभ होता है और कल्पवास का अर्थ होता है कि गंगा जी के किनारे, यमुना जी और सरस्वती के किनारे रह करके जप करना, दान करना, हवन करना और सबसे मुख्य बात जो है हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, आज पितरों की पूर्णिमा है, कल्याण करने के लिए, जीवन में प्रत्येक समस्याओं के समाधान करने के लिए, वेदनाओं के हरण करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्रिया सिद्धि के लिए, योग सिद्धि के लिए और कल्पवास की शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से डिजिटल है। बिछड़ों को मिलाने में ये केंद्र काफी मददगार साबित हो रहा है। हमको बहुत खुशी हो रही है। प्रशासन ने थोड़ा बहुत सहयोग किया?
सभी सबसे पूछते हम यहाँ तक आए हैं, प्रशासन सबसे जी, प्रशासन सबसे पूछ के हम यहाँ तक आए हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले का आगाज 15 जनवरी से हुआ है। इसी दिन पहला शाही स्नान भी हुआ था। कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान 4 मार्च को है, जिसके साथ ही कुंभ का समापन होगा। कुंभ में सरकार ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।